नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में सिविल इंजीनियर्स के लिए अप्रेंटिसशिप आ चुकी है। सो इस वीडियो में इस जॉब से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली लेटेस्ट जॉब की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए यह जॉब अनाउंस की जा रही है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका सिविल इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। और यदि आपको यह अप्रेंटिसशिप मिलती है तो आप देख सकते हैं कि आपको 18,000 पर मंथ स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा, यानी कि 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के साथ साथ आपको 18,000 पर मंथ दिए जाएंगे। ट्रेनिंग कम्प्लीट होते होते आपको 2 लाख प्लस रुपये मिल जाएंगे। तो फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए यह एक बहुत ही अच्छा मौका है। आपको फ्री ट्रेनिंग मिल जाएगी और फ्री ट्रेनिंग के साथ साथ 2 लाख से भी ज़्यादा रुपए मिल जाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम 18 ईयर, मैक्सिमम 27 ईयर। एसटीएससी को 5 ईयर की छूट, ओबीसी एनसीएल को 3 ईयर की छूट। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फॉर्म फिलअप करने के बाद परसेंटेज के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यदि आपका शॉर्टलिस्ट में नाम आता है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा, और इंटरव्यू में यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो आपको यह जॉब मिल जाएगी। फॉर्म अप्लाई प्रोसेस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको MHRD NATS पोर्टल पर इनरोल करना होगा, और इनरोल करने के बाद आपको 16 डिजिट यानी कि 16 डिजिट का एक नंबर मिलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सिंपली आपको सेकेंड स्टेप में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और अपलोड करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको इस्टेब्लिशमेंट नेम पर क्लिक करना है। वहां पर आपको आप देख सकते हैं कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड लिखकर सर्च करना है, नहीं तो ये वाला कोड टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको यह जॉब दिख जाएगी, और वहीं से आपको क्लिक अप्लाई पर क्लिक करके इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। इसी को फॉलो करते हुए आप फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 28 जनवरी 2023 से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। और यदि हम लास्ट डेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 6/2/2023 को इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि यदि आप मध्य प्रदेश से पॉलिटेक्निक किए हुए हैं तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आप मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपको प्रेफरेंस भी दिया जाएगा। आप कहां से हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। तो इम्पॉर्टेंट फुल इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी। इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इसी वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ से आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट लिंक का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ से आप NATS पोर्टल पर इनरोल करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड का ऑप्शन है, तो क्लिक हियर पर क्लिक करके आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आप पूरा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।